फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आज आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के स्पिरिट गाइड्स आज उन्हें क्या ब्लेसिंग्स, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, प्लीज़ बताइए यूनिवर्स, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। हमें मिला है बाल गोपाल, लॉर्ड ऑफ काउस। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैसेज जो मुझे मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि यहाँ पे आपका इनर चाइल्ड जो है वो यहाँ पे हील हो रहा है। ओके, और साथ में यहाँ पे आपको अपने इनर चाइल्ड को हील करने के लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा करने की ज़रूरत है। आप वो काम करिए जो आपको बचपन में बहुत अच्छा लगता था करने के लिए। ओके, आप जिससे आपको बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलती थी वो काम आप यहाँ पर करिए। ओके, और उसके साथ आप इस इंटेंशन के साथ अपने ईष्ट का नाम जप भी कर सकते हैं कि आपका जो भी इनर चाइल्ड वोन्स हैं वो हील हो सके। और अगर आप यहाँ पे स्पिरिचुअल कनेक्शन में हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो यहाँ पे आप अपने पर्सन और अपने काउंटर पार्ट और आप दोनों के लिए ही एक साथ आप यहाँ पे इनर चाइल्ड हील करने के लिए आप अपने ईष्ट का नाम जप कर सकते हैं। ओके, ये आप ज़रूर कीजिएगा। और जो कुछ ना कुछ जो व्यूअर्स ऑलरेडी कर रहे हैं कुछ ना कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस या कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे इनर चाइल्ड हील हो, तो यहाँ पे वो वर्क कर रहा है। ओके, यहाँ पे आपका इनर चाइल्ड हील हो रहा है। आपका इनर चाइल्ड जो है इस वक्त वो हैप्पीनेस चाहता है, वो खुश होना चाहता है, वो हील होना चाहता है। ओके, वो यहाँ पे आपकी सोल जो है यहाँ पे एक हैप्पीनेस चाहती है जो बहुत लंबे समय से वो ढूंढ रही है। तो यहाँ पे सबसे पहले उसके लिए आपको अपना इनर चाइल्ड जो है वो हील करना होगा। उसके लिए आप यहाँ पे अगर कुछ मेडिटेशन आप ऑलरेडी कर रहे हैं तो वो करते रहिए, जो भी आप इनर वर्क कर रहे हैं वो करते रहिए, या फिर आप कुछ भी नहीं कर रहे हैं तो आप नाम जप कीजिए। ओके, इस इंटेंशन के साथ कीजिए और अपने ईष्ट से प्रार्थना कीजिए। ओके, और उसके साथ यहाँ पे देखिए, आपको जो भी व्यूअर्स यहाँ पे पेरेंट्स हैं अपने, उन्हें ऐसा फील होता है कभी कभी कि वो अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं, वो अपने अपने बच्चों का अच्छे से ध्यान नहीं रख पा रहे हैं, कुछ ऐसी उन्हें ऐसा उनको फील होता है। तो यहाँ पे इस कार्ड के थ्रू आपके स्पिरिट गाइड्स आपको कहना चाहते हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे बेस्ट पेरेंट्स हैं। आप उसमें आपको ये नहीं सोचना है कि आप परफेक्ट हैं कि नहीं, है ना। आप यहाँ पे अपना बेस्ट लेवल ट्राई करते हैं अपने अपने चिल्ड्रंस की, अपने किड्स की परवरिश करने के लिए यहाँ पे। ओके, देखिए मैंने अभी 222 देखा है, तो आपको बिल्कुल भी ये इस एनर्जी में नहीं जाना है कि आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हैं। और साथ में यहाँ पे आपके प्रोटेक्शन, आपके चाइल्ड भी यहाँ पे प्रोटेक्टेड हैं। अगर आपको ये हर वक्त ये परेशान ये चिंता सताती थी कि आपके बच्चे, आपके लव्ड वंस प्रोटेक्टेड हैं कि नहीं, ओके, तो यहाँ पे आपको ये कहना चाहते हैं आपके लव्ड वंस, आपके चिल्ड्रंस, आपके किड्स प्रोटेक्टेड हैं। और साथ में यहाँ पे आपकी फैमिली में भी न्यू बॉर्न बेबी आ सकता है, कोई ऐसी फीलिंग मुझे ऐसी ये मैसेज भी है। और ये कार्ड देखकर भी इंटेंशन यही, इंट्यूशन यही आ रहा था कि आपकी फैमिली में या आपके ही न्यू बॉर्न बेबी आ सकता है। अगर आप काफ़ी लंबे समय से कंसीव नहीं कर पा रहे थे तो वो प्रॉब्लम भी अब सॉल्व होने वाली है। कुछ ना कुछ आपको उसके लिए सॉल्यूशन, कुछ गाइडेंस यहाँ पे मिलने वाली है ताकि आप इस परेशानी से आप हमेशा हमेशा के लिए बाहर निकल सके। ओके, और साथ में यहाँ पे जो भी कृष्णा जी के भक्त हैं उनसे उनसे जुड़े हुए हैं, कृष्णा जी से जुड़े हुए हैं, या आप अपने जिनके भी आप जिन भी इष्ट से जुड़े हुए हैं उनके लिए आपके मन में जो भक्ति है वो दिन पर दिन बढ़ रही है। कि ये जो भक्ति आपके मन में बढ़ रही है ना, उससे यहाँ पे आपके लाइफ में आपके ईस्ट की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। यहाँ पे आपको बहुत बहुत सारी ब्लेसिंग्स यहाँ पे आ रही हैं। बट यहाँ पे एक एक जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो इनर चाइल्ड हील होने का है। ओके, तो उसके लिए आप यहाँ पे जो भी आप करना चाहते हैं या कर रहे हैं वो आपको करते रहने की ज़रूरत है। और उसके बाद यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु, तो देखिए चैतन्य महाप्रभु जो आए हैं यहाँ पे, ये भगवान के अनन्य भक्त थे। ओके, ऐसी ही भक्ति यहाँ पे आपकी भी बढ़ रही है। आप जिस तरीके से जो भी आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, अपने ईष्ट से जुड़ रहे हैं ना आप यहाँ पे, उससे क्या हो रहा है कि आपका कनेक्शन जो है आपके ईष्ट से बन रहा है। आप
और जब ऐसा हो रहा है तो यहाँ पे आपके जीवन, आपके अंदर की जो नेगेटिविटीज़ हैं, जो आपकी शेडो साइड्स हैं, वो यहाँ पे हील हो रहे हैं। ओके, और शेडो साइड्स भी ऐसे जो बहुत ज़्यादा डार्केस्ट साइड थे ना, जो आपका, जो आपको बहुत ज़्यादा लो एनर्जी में लेकर जाता था बार बार, ये किसी भी तरीके का शेडो साइड हो सकता है फ्रेंड्स। आपको ये देखना होगा कि ऐसी कौन सी बात थी जो आपका पैटर्न जो है काफ़ी लंबे समय से रिपीट हो रहा था। ओके, और वो चीज़ें आप करते थे, आप एफर्ट्स डालते थे लेकिन पूरी नहीं हो पाती थी। तो ये कुछ ऐसा आपका पास्ट लाइफ का शेडो साइड था जो इस वक्त हील हो रहा है। इस वक्त इशू जो है वो सरफेस पर आ भी रहा हो सकता है। ओके, यहाँ पे वो इसीलिए आ रहा है कि वो हील हो रहा है, और अब जो है वो कम्प्लीटली हील हो रहा है। और यहाँ पे आप इस वक्त अपनी स्पिरिचुअल और मटेरियल वर्ल्ड दोनों में ही बैलेंस बना पाएंगे। हालांकि आपका फोकस जो है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ पर बढ़ने वाला है। इस वक्त मुझे ऐसा फील हो रहा है आप अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ पर ज़्यादा, साथ में ही यहाँ पे आप एक ऐसी एनर्जी में आ रहे हैं, मतलब वननेस की एनर्जी होती है ना, एक इस तरीके की एनर्जी की आप सबको समान समझेंगे, सबको इक्वल समझेंगे। आपको वननेस की जो एक एनर्जी होती है वो आपको समझ में आएगी कि सभी में ईश्वर का वास है, सभी में उसी ईश्वर का वास है जो आप में है। ओके, यहाँ पे आप, और साथ में यहाँ पे आपको भी अपने साथ कंपैशनेट होने की ज़रूरत है। अपने साथ यहाँ पे सबसे पहले आपको कंपैशन रखना है। ओके, आप यहाँ पे दूसरों को देना चाहते हैं ना, सबसे पहले आपको खुद के साथ देना, खुद को देना होगा, खुद को वो लव, खुद को वो अनकंडीशनल लव, खुद को वो सिक्योरिटी, खुद को वो स्ट्रेंथ, सभी चीज़ें पहले खुद को देनी होगी, तभी आप यहाँ पे दूसरों को भी दे पाएंगे। ओके, ये मैसेज आपके लिए है। और साथ में यहाँ पे आपका डेफिनेटली डिवोशन यहाँ पे बढ़ने वाला है। ओके, और साथ में यहाँ पे आप गॉड की कुछ ना कुछ ऐसी सर्विस आप करने वाले हैं। ईश्वर ने आपको एक ऐसे पाथ पर चलने के लिए चुना है, अपने किसी ऐसे पर्पस के लिए चुना है ईश्वर ने आपको, कि वो कुछ ना कुछ ऐसा रहेगा जो आपको, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ तो होगी ही होगी उसमें, लेकिन यहाँ पे आप दूसरों को भी अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज शेयर करेंगे। ओके, यहाँ पे हो सकता है आपको अपना सोल पर्पस इस वक्त मिल सकता है, या आप ऑलरेडी अगर अपना सोल पर्पस कर रहे हैं, जो व्यूअर्स शिव शक्ति की जर्नी में है, स्पिरिचुअल कनेक्शन में है, तो उन्हें सोल पर्पस दिया जाता है ईश्वर के द्वारा। ओके, और ये ज़रूरी नहीं है शिव शक्ति की जर्नी में हो, तो जो स्पिरिचुअल पाथ पर होते हैं उनसे ईश्वर जो भी काम करवाना चाहते हैं अगर उनसे, तो यहाँ पे आपके थ्रू यहाँ पे ईश्वर डेफिनेटली कुछ ना कुछ करवाएंगे। ओके, ये 111 मैंने देखा है, तो डेफिनेटली जिन तक भी वीडियो पहुँच रहा है ना, वो कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर करेंगे। ईश्वर की सेवा हो सकती है, वो कुछ भी करें, कुछ भी हो सकता है ना। आप या तो आपका कुछ आपका इंटेंशन हो सकता है, आपका कुछ प्लानिंग हो सकता है, तो वो भी आप जो प्लान है वो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। बट यहाँ पे मुझे बार बार इंडिकेशन ही आ रहा है, अगर कोई व्यूअर ऐसे हैं जो मंदिर बनवाना चाहते हैं, मंदिर की स्थापना करवाना चाहते हैं, तो वो भी आप ज़रूर करवा पाएंगे। ओके, ये भी ब्लेसिंग्स आपको यहाँ पे आप इसके स्पिरिट गाइड्स दे रहे हैं। वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और उसके बाद यहाँ पे, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आए हैं गरुड़ जी। तो जब गरुड़ जी आए हैं, तो गरुड़ जी आज बड़े दिनों बाद आए हैं तो आपके जीवन के सबसे पहले अंदर की नेक जो शेडो साइड हील हो रहे हैं, कि ये प्रभु कार्ड में भी यही, और इस कार्ड में भी यही मैसेज है। यहाँ पे हर तरह से आपको प्रोटेक्ट भी की, आपके यहाँ पे आपको हर्ट कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे आपका और आपके पर्सन का यहाँ पे थ्रोट चक्रा इस वक्त हील हो रहा है। ओके, या हो सकता है आपने कुछ मंत्रा चैंटिंग का, या आप थ्रोट चक्र रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, आपका वर्क है वो काम कर रहा है, और आप का और आपके काउंटर पार्ट का दोनों का ही थ्रोट चक्र यहाँ पे हील हो रहा है। और देखिए अगेन यहाँ पे डिवोशन टू गॉड, तो डेफिनेटली आपकी भक्ति बढ़ने वाली है, और साथ में आपकी भक्ति की ईश्वर स्वयं प्रशंसा कर रहे हैं। ओके, और देखिए अगेन यहाँ पे प्रोटेक्शन फ्रॉम स्नेक्स, तो ये तरीके से प्रोटेक्टेड है, तरीके का भी प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको चाहिए था ना, उस तरीके का प्रोटेक्शन यहाँ पे आपको दिया जा रहा है। ओके, और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो ट्रैवलिंग करते हैं, और उन्हें हमेशा ये चिंता सताती रहती है कि वो सेफ हैं कि नहीं, या उनके लव्ड वंस ट्रैवलिंग करते हैं कि नहीं। तो ये आपको स्पिरिट गाइड्स कहना चाहते हैं कि आप और आपके लव्ड वंस हर तरह से सेफ हैं, प्रोटेक्टेड हैं। ओके, और आपको उस चीज़ के लिए बिल्कुल भी परेशान नहीं है, क्योंकि लेकिन है कि आपको उन्हें भी दे के वक्त, ओके, सभी सिचुएशनों, लेकिन प्रोटेक्शन हमेशा दे के रखिए।
और एक कार्ड और देखते हैं। यहाँ की बात देखिए, यहाँ श्री राधा ने राधा माँ का यहाँ पे डेफिनेटली की लाइफ में एक प्रॉस्पेरिटी हैप्पीनेस आ रही है, हर तरह की ग्रोथ आ रही है, आपकी ब्यूटी बढ़ने वाली है। और साथ में जो डीएफ एनर्जी में है, और एक कह सकते थोड़ी डिस्टॉर्टेड एनर्जी में थे, तो यहाँ पे ये अशन जो है वो खत्म हो रहा है, आप बैलेंस में आ रहे हैं। आपकी जो भी व्यूअर यहाँ पे डीएफ एनर्जी में थे, उनकी डीएफ एनर्जी बैलेंस हो रही है। साथ में यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि अपने लव पर जी, अगर आप देख रहे हैं तो अशन पर ट्रस्ट रख, ट्रस्ट पर जीत आप ही की सदके। और यहाँ पे आपकी एनर्जी, आप ऐसे, और मैंने अभी 444 देखा है, और आप भी ऐसी एनर्जीज में आ रहे हैं कि यहाँ पे आपका ऑरा बहुत पॉजिटिव हो रहा है। ओके, यहाँ पे आप जो नाम उससे इतना पॉजिटिव हो रहा है कि आपके आसपास के लोग जो है आपसे इंस्पायर हो रहे हैं, और आपके लिए उनके मन में रेस्पेक्ट बढ़ रही है। और जो व्यूअर्स ऐसे थे जो जो मतलब खुलकर कह नहीं पाते थे अपनी बातों को, वो अब अपनी अपनी बातों को क्लैरिटी के साथ कह पाएंगे, ऐसा भी मुझे फील हो रहा है। अगेन यहाँ पे इंक्रीज डिवोशन एंड अटेनमेंट ऑफ डिवाइन लव, तो डेफिनेटली यहाँ पे आपके डिवोशन की जीत होगी, आपकी भक्ति बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है कि आपके लाइफ में डिवाइन लव आ रहा है। ओके, डिवाइन लव यानी कि यूनिवर्स का लव। ओके, और साथ में यहाँ पे अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की जर्नी में है आप, और या इनके लिए देख रहे हैं, अपने देख रहे हैं, आपके पर्सन रिटर्न आ रहे हैं आपके, ये एक बहुत पॉजिटिव मैसेज आपकी थी आपके लिए। गाइड्स की बहुत ही प्यारी मैसेजेस, होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज कमेंट में आके रीडिंग आपको, तब तक अपना ध्यान रख पॉजिटिव, जय श्री कृष्ण, कमेंट में आके जरूर बताइएगा कि तब तक जय माँ काली।